मन्नत कहाँ है? मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही रहेगी। अम्मी आई। हाय मन्नत, तो अम्मी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। मेरा तो प्लान ही ये है कि तुम रुक जाओ सुभान, पर इबादत ऐसा होने नहीं देगी। उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ अकेले हो तो तमाशा खड़ा कर देगी और मेरा प्लान नंबर 2 फ्लॉप हो जाएगा। नहीं सुभान, तुम इबादत के साथ उर्स में जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना है, पर रुक भी नहीं सकता। तुम्हारी तबीयत खराब होने लगे तो मुझे बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ और हम दोनों की कामयाबी के लिए दुआ करना। बाय। सुभान, सब खैरियत? किसका मैसेज था? तुम्हें अपने मैसेज भी दिखाऊंगा। सुभान, सुभान मेरी बात। इबादत तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, सुभान को मेरा होने से नहीं रोक पाओगी, क्योंकि तुम दोनों के बीच मैंने जो लाइन खींची है ना, वो अब खाई में बदलने वाली है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। देर हो गई, अब तक कानत पुप्पी का मैसेज क्यों नहीं आया? पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। हम दरगाह पहुंच चुके हैं। सुभान, सुभान प्लीज दवाई ले लो। नहीं खानी मुझे। तुम मुझसे नाराज हो ना, तो गुस्सा मुझ पे उतारो, अपनी सेहत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सुभान? कहा ना मुझे नहीं खानी दवाई। प्लीज दवाई खा लो सुभान। सुभान, अरे सुभान बेटा खा लो ना, देखो अभी अभी उर्स पे आए हैं, जियारत पे वक्त लगेगा, दुआ भी पढ़नी है, लौटने में बहुत वक्त लगेगा, तुम खा लो दवा बेटा। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी पानी है ना मेरे पास, मैं लेकर आई थी, ये लो बेटा। ये लो, ये तबर्रुक की थाल लेकर चलो और दिल से दुआ मांगना, क्या पता पीर साहब तुम जैसी की भी दुआ कबूल कर ले।